हेलो एवरीवन, दिस इज करण फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस 2023। तो जितना कम टाइम बचा है उसमें आपको कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है कि आप उसके क्वेश्चन को काफी हद तक सही कर पाए और आपके मार्क्स बूस्टअप हो रहे हो, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं वीडियो में आगे। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहली गलती जो हर बच्चा जनरली करता है, 90% ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, वो करते हैं कि वो यूनिट कन्वर्जन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। आंसर पूछा गया है किलो जूल पर मोल में, आप देखा रहोगे जूल पर मोल में। आंसर पूछा गया है पास्कल में प्रेशर, आप देखा होगा बार में प्रेशर, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन तो करना आता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो यार, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना है। सारे प्रेशर के सारे कन्वर्जन, वॉल्यूम के कन्वर्जन, R की वैल्यू भी लोग भूल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में। किसमें 8.314 होती है, किसमें 0.0821 होती है, किसमें 0.08314 होती है, वही चीजें भूल जाते हो। वर्क को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें नहीं करना, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। एटीएम लीटर का अगर वर्क है तो सीधे कैसे जूल में कन्वर्ट करोगे, किलो जूल पर मोल में, वो चीजें आपको ध्यान देनी है, वरना आपका क्वेश्चन आता हुआ भी आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या फिर यूनिट कन्वर्जन नहीं आया तो आप बीच में स्टेप में गलतियां कर दोगे तो आंसर भी गलत आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत पहले, सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान देनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज है, आप जिस भी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले एक चीज बता दूं, मैं इस वीडियो में आपको इजी स्कोरिंग चैप्टर्स भी बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर अब सेकेंड चीज आती है आपकी, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसी टाइम उसके फॉर्मूला नोट्स भी बना लेने हैं, फॉर्मूला शीट्स भी बना लेनी है। ठीक है, और पूरी गाथा नहीं लिखनी होती, इसमें खाली फॉर्मूला लिखना होता है ताकि आपको बार बार फॉर्मूला देखने में, बार बार फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इजी टू स्कोर चैप्टर्स कौन से हैं, कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें आपको ज्यादा दिमाग ना लगा के ज्यादा कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल रहा होगा, बट उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक लेवल का आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एडवांस लेवल का, बट आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक लेवल का आना चाहिए, आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना जरूर आनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बाप है, मोल कॉन्सेप्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बाप है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है आपका स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। ये दो चीजें तो बहुत यूज हो रही होती है, लिटरली बहुत यूज हो रही होती है, तो इन चीजों, दो चीजों को तो पक्का सीख के जाओ, पक्का सीख के जाओ। ठीक है, और जो गैसेस लॉ लग रहे होते हैं वो भी आपको आते ही होते हैं, तो थोड़ा सा ये चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, आपको पक्का आनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, अब आप करो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल रहा होगा, पक्के से पक्का मिल रहा होगा, और ये काफी इजी होता है इसको करना, बस जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चार फॉर्मूले होते हैं उन्हीं पर जनरली लग रहा होता है, दैट्स इट, वैंकटॉफ फैक्टर को यूज करके, और कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस चैप्टर में। तीसरा चैप्टर आप मैं जो बोलूंगा वो बोलूंगा केमिकल काइनेटिक्स। यार बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, या तो वो आपसे क्या पूछेगा, आरहीनियस के कॉन्सेप्ट पूछेगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकलवा लेगा, दो टेम्परेचर दो रेट दे के सिंपल सा फॉर्मूला है, LnK2 / K1 वाला फॉर्मूला, दैट्स इट, बस उसी से आपसे काम हो जाएगा पहला, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, या तो यार वो हाफ लाइफ का रिलेशन पूछ लेगा, ठीक है, बस किससे किससे क्या वेरी करती है, या तो वो आपसे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पूछ लेगा, उस पर क्वेश्चन करवा लेगा जो रेट लॉ होता है। तो यही बहुत सिंपल सी तीन चार चीजें हैं जिससे आपको एक क्वेश्चन आपका फटाक से ठीक हो रहा है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टू किल चैप्टर है ये। और चौथा मैं बोलूंगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो कोरोजन वाला पार्ट नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खाली वो वाला पार्ट जिसमें आपका नॉर्मल वो चीज लग रही होती है, नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट, तो उससे भी अगर ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो आपका डायरेक्टली सही भी हो रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान वाला पार्ट आ जाता है, कि जैसे कैसे हम डेल्टा जी निकालते हैं, कैसे के इक्विलिब्रियम निकालते हैं, बस थोड़े से बस फॉर्मुलेज ही हैं जिनसे आप ये काफी हद तक चीजों को स्कोर कर रहे होगे, आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ के नहीं जा रहे होगे, ये आपको चीजें ध्यान देनी है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है जो आपको करना है, सॉलिड स्टेट पकड़ना है, कुछ नहीं करना आपको इसमें, बस आपको याद रख लेना है किसकी जेड वैल्यू क्या है, किसमें कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, एक क्वेश्चन उसमें से ठीक हो जाएगा। मैं वो बता रहा हूँ जिनको न्यूमेरिकल अप्रोच करने में दिक्कत होती है, जिनको न्यूमेरिकल अप्रोच करने में दिक्कत होती है, तो एटलीस्ट इतना इतना तो आप करके चले जाओ कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ के नहीं जा रहे हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, देने जाओगे, या जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपने कोई फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, आप उसको पूरा उसी टाइम पे चेक करोगे, एक बार एक नजर डाल के कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है, वरना बाद में तो आप कहोगे ना वापस आके देखेंगे, तो वो वापस तो आपको टाइम कभी मिलेगा ही नहीं, तो उसी टाइम ऊपर एक बार क्रॉस चेक कर लो कि सब सही किया था, यूनिट गलत तो नहीं लिखी। इसीलिए एक प्रोटिप लेते जाओ,
कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री का, डेफिनेट सी बात है यार, हमेशा ही यूनिट के साथ लिखा करो फॉर्मूले में। फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करते हो वो यूनिट के साथ किया करो, ताकि आप यूनिट कन्वर्जन में गलती ना करो, बिल्कुल ना करो, ठीक है? तो आपके आखिरी में यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि आपको मतलब अच्छे से आपको यूनिट कन्वर्जन बढ़ाना है, फॉर्मूला शीट्स बनानी है, और मैंने जो कुछ इजी टू किल टॉपिक्स बता दिए हैं उनको फोकस करना है। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री काफी अच्छी हो रही होगी, और जो लिटरली काफी हद तक चीजें पढ़ चुके हैं उनके लिए तो मैं डेफिनेटली है, आप सब चीजें प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आप उतना कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे। बस गलतियां यूनिट कन्वर्जन में नहीं करनी है, वरना सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है? अच्छे से याद रखना यही चीजें, टिप्स फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर लेना ऐसे ही और टिप्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।